सो हे गाइज व्हाट्स अप, दिस इज एजे एंड ये दूसरी वीडियो होने वाली जो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने पहली वीडियो डाली थी जो कि इनसाइड द कंपनी सीरीज का फिफ्थ एपिसोड था, अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लेना। जैसे मैंने वो डाला तो कुछ मैसेज मुझे इंस्टा पे आए थे, तो जैसे मैंने इंस्टा खोला तो किसी दो तीनों ने मुझे भेजे हुए थे कि भैया एक सर्कुलर आया हुआ है तो इसको देख लेना एक बार और उसपे वीडियो बना देना, ठीक है। तो जैसे मैंने सर्कुलर खोला तो ये सर्कुलर बेसिकली डीएनएस का जो फैब बैच का यू नो आईएमयूसीटी है तो उसपे रिलेटेड, उससे रिलेटेड है। तो जैसे मैंने देखा तो इसपे मैंने उसे मोबाइल में खोला हुआ है, ठीक है सर्कुलर। तो इसमें डेट दी गई है 8 जनवरी 2021 और सर्कुलर है आगे, ठीक है ये तो मैं अभी बताऊंगा आपको। लेकिन ये मैंने जब ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा जो कि imu.edu.in है तो मैंने सोचा कि उसमें तो आया होगा, तो सर्कुलर ढूंढने की कोशिश की तो वहां मुझे कहीं मिला नहीं, ठीक है सर्कुलर। मे बी माई मिस्टेक, तो एक बार देख लेना, अगर आपको मिल जाए तो बता देना, ठीक है नीचे कमेंट करके बता देना। अदरवाइज ये मैं थोड़ा आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अभी मैंने अच्छे से तो नहीं पढ़ा है लेकिन थोड़ा ऊपर ऊपर का अच्छे से, मतलब ऊपर ऊपर से तो पढ़ रखा था मैंने, तो फिर भी आपके सामने एक बार अच्छे से पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो 8 जनवरी 2021 का ये सर्कुलर है, सब्जेक्ट है सीटी डीएनएस लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस, ठीक है। अब यहां पर देखो लिखा हुआ है, इट इज प्रपोज्ड टू कंडक्ट अ सीटी इन द मंथ ऑफ फरवरी 2021 फॉर एडमिशन टू द डीएनएस प्रोग्राम फरवरी 2021 बैच। इट इज प्रपोज्ड लिखा हुआ है इसमें, तो इसका मतलब है कि अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है अभी डिस्कशन इसके ऊपर चल रही है। मे बी ये फैब जो आपका मंथ है उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये कंफर्मेशन अभी पूरी तरह से नहीं है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है प्रपोज, मतलब डिस्कशन अभी चल रही है, ठीक है इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बहुत से ऐसे मत समझ लेना कि एकदम कंफर्म है, प्रपोज का मतलब थोड़ा सा समझो, ठीक है। और फिर आगे लिखा हुआ है ये सीईटी ओनली अप्लीकेबल उनके लिए होगा जो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स है, मीन्स जिन्होंने स्पॉन्सरशिप ली हुई है। जिन्होंने स्पॉन्सरशिप नहीं ली हुई है उनको यहाँ पर कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर आईएमयू कैंपस नहीं आते हैं, ठीक है। यहाँ पर ओनली आपके एफिलेटेड इंस्टीट्यूट्स आते हैं। अगर आप फॉर्म भर दोगे आपके स्पॉन्सरशिप नहीं है तो जस्ट एक वेस्टेज काइंड ऑफ थिंग हो जाएगा कि आपने ₹1000 वेस्ट कर दिए, क्योंकि स्पॉन्सरशिप कैंडिडेट्स के लिए है। द नोटिफिकेशन ऑफ द सीटी इज गोइंग टू रिलीज सून, जो नोटिफिकेशन ऑफ सीटी है मतलब एग्जाम जो फॉर्म होगा, ठीक है उसकी डेट जल्दी रिलीज हो जाएगी, वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो है कि जो भी आपके एफिलेटेड इंस्टीट्यूट हैं उनको भेजना है, ठीक है, कि कितनी सीट्स स्पॉन्सरशिप सीट्स अवेलेबल है उनके इंस्टीट्यूट में, ये सारा डाटा उन्हें भेजना है, ठीक है। साथ में उन्हें जो आपको स्पॉन्सरशिप जो लेटर्स होते हैं, ठीक है ऑफर लेटर होते हैं, तो उसकी जो फोटोकॉपी है वो भी भेजनी है। अब वो किसको भेजनी है यहाँ पर देख नहीं रहे, वो है आईएमयू को भेजनी है, ठीक है बेसिकली। तो वो आईएमयू को भेजनी है उसके जो सीट्स है कितनी सीट्स अवेलेबल है, और साथ में ऑफर लेटर के जो फोटोकॉपी है, ठीक है। तो इससे एक चीज ध्यान में आपको रखनी है कि आप अपने स्पॉन्सरशिप का जो भी प्रोसेस चल रहा है आपका, तो उसको जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करो, ठीक है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखो कि मे बी आपका कुछ अटका हुआ इंटरव्यू तो जल्दी जल्दी देखो डेट, ठीक है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। और यहां पर एक इम्पॉर्टेंट चीज लास्ट में लिखी हुई है, वो है कैंडिडेट एडमिटेड इन एनी मोड अदर देन द अबव विल नॉट बी अलॉटेड एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर, हेंस सच कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपियर इन एनी ऑफ द शेड्यूल्ड एग्जामिनेशन ऑफ आईएमयू, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रखनी है, अगर आपका स्पॉन्सरशिप नहीं है तो फायदा नहीं है आईएमयू सीटी देने का, ठीक है लास्ट में यही चीज बताई गई है। तो ठीक है, इससे आपको क्या चीज थोड़ा सा ध्यान में रखनी है कि फैब में हो भी सकता है, तो थोड़ा सा प्रिपेयर भी रहना, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि मतलब एकदम फ्री रहो, हो भी सकता है और थोड़ा सा ध्यान यहां पर आपको रखना पड़ेगा। एंड द सेकेंड थिंग इज जो आपका प्रोसेस है स्पॉन्सरशिप का, उसको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करो। अगर आपने अभी तक डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे, अगर आपने अभी तक मेडिकल नहीं करवाया है, तो वो सारा प्रोसेस स्टार्ट कर लो। और साथ में जो भी पासपोर्ट वाला सीन है, ठीक है, उसको भी जल्दी से जल्दी, रिसिप्ट तो मिली जाती तब तक, तो उसको भी जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करो। क्यों तो एक बार इस सर्कुलर को अच्छे से तुम भी पढ़ लेना, ठीक है। और आशा करता हूँ ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, ठीक है ऐसी वीडियोज के लिए। और अगर कुछ और टॉपिक्स तुम्हारे हैं तो कमेंट करो, अदरवाइज वीडियो को शेयर करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।